हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे मैदे के पेठे, वो भी बची हुई चाशनी से बनाएंगे हम मैदे के पेठे, और बिल्कुल कम समय के साथ में बनाएंगे। ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैदे के पेठे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर मैदे को ले लिया है। अब हम इसमें एक चम्मच मीठा सोडा डाल देते हैं और एक आधी छोटी कटोरी हम घी डालेंगे, और अच्छे से हमें मैदे के साथ में घी को मिक्स कर लेते हैं। हमें मोइन में घी ही डालना है, तेल बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि तेल का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा फिर पेठों में। अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, ये देखिए मोइन हमारा पूरा है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से आटा लगा लेना है। पेठे बनाने के लिए हमें आटा टाइट चाहिए, टाइट आटे से ही पेठे अच्छे बनेंगे। देखिए हमें बिल्कुल इसी तरीके का आटा चाहिए। आटा हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम आटे को 4-5 मिनट के लिए अच्छे से रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम अपने पेठे बना के तैयार करेंगे। देखिए 4-5 मिनट हो गए हैं, आटा हमारा अच्छे से रेस्ट कर लिया है। अब हम इसकी एक बड़ी लोई बना लेते हैं। अब हम इसको अच्छे से बेल लेते हैं। आप अगर चकले पर बेल रहे हो तो आप इस आटे की दो लोई करके अच्छे से बेल लेना। मैं यहाँ पे पट्टे के ऊपर बेल रही हूँ, तो इतने आटे की एक बड़ी लोई बना ली थी और अच्छे से बेल रही हूँ। हमें रोटी को ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, मीडियम साइज़ का अच्छे से रोटी को मैंने बेल लिया है। अब हम इसके कट लगाएंगे। सबसे पहले हमें साइडों में कट लगा लेते हैं और साइडों के हिस्सों को हम अलग कर देते हैं, और हम अपनी पेठों के शेप दे देते हैं अच्छे से। आपको जो भी शेप पसंद हो आप उस शेप के पेठे को कट कर सकते हो, क्योंकि हमारे राजस्थान में इसी तरीके से पेठे कट किए जाते हैं, तो मैं उसी तरीके का शेप दे रही हूँ। जब भी हमारे पास में जलेबी की, गुलाब जामुन की, बालूशाही की चाशनी बच जाती है तो हम सोचते हैं कि अरे चाशनी का क्या करेंगे, चाशनी तो अब फेंकनी पड़ेगी। लेकिन मेरा यकीन मानिए, चाशनी फेंकने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम इस तरीके से मैदे के पेठे बना के तैयार कर सकते हैं। जब भी हम कहीं सफ़र में जा रहे हो तब भी हम इस तरीके से पेठे बना के साथ में ले जा सकते हैं। अगर आपके पास में बची हुई चाशनी नहीं है तो आप चाशनी दो तार की बना के उसमें भी अच्छी तरीके से पेठे को बना के तैयार कर सकते हो। अगर आपके पास में बची हुई चाशनी है तब भी आप इस तरीके से बना सकते हो। तो सारे पेठे को मैंने कट कर लिया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके के पेठे होने चाहिए। अब हम इसमें कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रख दिया है, गैस को मैंने ऑन कर दिया है। अच्छे से घी को गर्म करेंगे। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें पेठे को डाल देते हैं। जितने पेठे एक बार में आ सकते हैं उतने पेठे डाल देने हैं हमें। गैस को मैंने मीडियम ही रखा है। इतने पेठों को मैंने डाल दिया है। अब अच्छे से हमें इसे चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे। पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेना है। पेठे फ्राई होते समय ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं, बिल्कुल ही थोड़े से टाइम में फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। और बचे हुए पेठे भी हम इसी तरीके से फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। देखिए सारे पेठे मैंने तैयार कर लिए हैं इस तरीके से। ये इतने मोटे मोटे होने चाहिए तभी पेठों का शेप अच्छा आएगा। अब हम इसको चाशनी में डालेंगे। यहाँ पे मेरे पास में गुलाब जामुन की बची हुई चाशनी थी, तो मैंने गैस को ऑन कर दिया है और चाशनी को अच्छे से गर्म करना है। सबसे पहले
तो चाशनी को हमें अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर पेठे को डाल देते हैं। अगर आपके पास में रसगुल्ले की चाशनी बची हुई हो तो आप उसको थोड़ा सा चीनी डाल के गाढ़ा करके उसके बाद ही बनाना। बाकी जलेबी, गुलाब जामुन, किसी की चाशनी भी चलती है, पेठों में अच्छे से बन जाते हैं, लेकिन रसगुल्ले की चाशनी पतली होती है, इसीलिए उससे अच्छा नहीं बनता है। अब हम पेठों को 2-3 मिनट के लिए अच्छे से चाशनी के अंदर पकाएंगे। अब हमें गैस को बंद कर देना है और अच्छे से पेठों को ठंडा होने के लिए रख देना है 2-3 मिनट के लिए। ये देखिए, अब हमें गैस को बंद कर दिया है मैंने और इसे ऐसे ही 2-3 मिनट के लिए मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। देखिए 2-3 मिनट के बाद में आप देखिए ये काफ़ी गाढ़ा होने लगा है। फिर से हमें इसे 4-4, 5-5 मिनट में थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए अच्छे से इसको सुखा लेना है इस तरीके से। ये देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में इसे अच्छी तरीके से चलाते हुए काफ़ी गाढ़ा कर लिया है। ये देखिए जैसे जैसे ये चाशनी सूखता जाएगा वैसे वैसे ये शक्करपारे हमारे बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए काफ़ी इस तरीके से है, कई जगहों पर इसे शक्करपारे भी बोलते हैं, कहीं पे पेठे बोलते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से पेठे हमारे तैयार हो गए हैं, चाशनी अच्छे से सूख गई है। ये देखिए अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि पेठों पे कलर कैसा है, क्योंकि मैंने गुलाब जामुन में ये चाशनी में फूड कलर डाला था ऑरेंज, इसी की वजह से थोड़ा कलर आ गया है इस पर। तो देखिए फ्रेंड्स, पेठे बनके हमारे तैयार हो गए हैं। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे हम एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ में, तब तक ओके बाय फ्रेंड्स।